तो आज की वीडियो में हम फिर से बजक मांगा के ऊपर बात करने वाले हैं। अब क्योंकि पिछली तीन वीडियोस में मैं ऑलरेडी बजक मांगा का पहला आर्क यानी ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आर्क कवर कर चुका हूं, तो इस वीडियो से मैं शुरू करने वाला हूं गोल्डन एज आर्क, जिसमें कि हमें गट्स का पूरा पास्ट डिटेल में एक्सप्लेन कराया था। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गट्स स्टोरी देन कीप वॉचिंग। कहानी की रियलिटी में स्टार्टिंग होती है एक पेड़ से, जिसपे की बहुत सारी लाशें लटकी हुई थी और उन्हीं लाशों के नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ था अधमरी हालत में। और जब इसी बीच एक मर्सनरीज का ग्रुप वहां से गुजर रहा था, तो उसी ग्रुप में से एक औरत दौड़ते हुए जाती है और उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। अब इन सारे सोल्जर्स की बातों से पता चलता है कि ये औरत इस बंदे की बीवी थी और अभी अभी इस औरत ने अपना बच्चा खोया था, जिस वजह से ये औरत मेंटली स्टेबल भी नहीं थी। जिसके बाद यही बंदा जो कि लीडर भी था इस पूरे ग्रुप का, चलने को भी बोलता है इससे कि छोड़ो ये बच्चा मरा हुआ है, इसके साथ क्या करना चाह रही हो तुम। लेकिन जैसे ही वो बच्चा उस औरत के हाथों से गिरता है तो रोने लगता है और तब जाके सबको समझ में आता है कि ये बच्चा जिंदा है, वो भी ऐसी हालत में। और क्योंकि किसी भी बच्चे का इस तरीके से पैदा होना यानी उसकी माँ लटकी हुई है फांसी पे, नीचे वो पड़ा हुआ है, उसके आसपास खून ही खून है, तो वो सारे सोल्जर्स इस चीज को मिरेकल तो मानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ बैड वुमन भी मानते हैं, यानी अपनी भाषा में कहो तो पनौती। जिसके बाद वो औरत तुरंत ही दौड़ते हुए जाती है, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाती और चुपचाप जहाँ पर वो पहले बैठी थी ट्रेवल करने के लिए इन सारे लोगों के साथ, वहीं पर जाके बैठ जाती है। अब ये सारे सोल्जर्स कहते तो हैं कि ऐसे बैड ओमन वाले बच्चे को अपने साथ ले जाना बेकार रहेगा, लेकिन ये लीडर इन सारी बातों को नहीं मानता था। उनसे बोलता है क्या हुआ डरते हो क्या तुम, पर इसी के साथ वो सब लोग वहां से चल देते हैं। इसी के बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि शीशु को वही औरत जो कि गट्स को लेकर आई थी, उसको एक तरीके का प्लेग हो गया था जिसका कि इलाज किसी के भी पास नहीं था। जो देख के वैसे तो गट्स को उससे दूर कराया था सो डेट उसको कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, यानी प्लेग से इन्फेक्टेड ना हो जाए वो, लेकिन गट्स मानता नहीं है और उसके ही हाथों में शीशु अपना दम तोड़ देती है। एंड इफ यू आर वंडरिंग उसका पति कहां था, तो बंदा लड़ाई कर रहा था किसी बैटल में, वो भी ऐसे टाइम पर। खैर इसके बाद हमें फिर से 3 साल का गैप दिखाया जाता है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर गट्स 6 साल का था। गेस व्हाट, कहां पर था वो, बैटल फील्ड पे इस बंदे की मदद कर रहा था जिसका कि नाम था गम्बिनो। यानी सोच रहे हो गट्स 6 साल की उम्र से ही बैटल फील्ड पे उतर चुका था और उसने इतनी ही छोटी उम्र में खून खराबा भी बहुत करीब से देखा था। और ऐसा भी नहीं है कि गम्बिनो को गट्स बहुत पसंद था, वो तो उसकी वाइफ से लेके आई थी तो इसलिए वो उसका ख्याल रख रहा था, नहीं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था गट्स हो या फिर ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गम्बिनो गट्स को ट्रेन कर रहा था सो डेट वो बैटल फील्ड में लड़के उसके लिए पैसे कमा सके, क्योंकि ये बंदा भी ऐसा ही था, गट्स का फ्री में ख्याल रखना ही नहीं चाहता था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सारे मर्सनरीज हैं, तो मर्सनरीज बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि किसी के सगे नहीं होते, यानी कोई किंगडम इन्हें हायर करता है पैसे देके और उसी किंगडम की तरफ से ये लड़ने लग जाते हैं किसी भी तरीके की बैटल में। और इन दोनों की इसी ट्रेनिंग के बीच गट्स भले बच्चा था, लेकिन ये इस बंदे को डैमेज पहुंचा देता है, जबकि ये बंदा अपने पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। अब ऐसा होने के बाद इसके ईगो पे तो आई जाती है, तो ये भी गट्स को डैमेज पहुंचाता है उसकी नाक काट के, और इसी के बाद गट्स अनकॉन्शियस हो जाता है और उसे ट्रीट करा जाता है। और जब वो आराम कर रहा था तो वो लोगों को कहते हुए भी सुनता है कि कैसे सारे लोग उसे एक बैड वुमन मानते हैं, जिस तरीके से वो पैदा हुआ और जिस औरत ने उसे बचाया अपनी गोद में लिया वही एक प्लेग का शिकार हो गई और 3 साल बाद ही मर गई। एंड यार 6 साल का बच्चा ये सारी चीजें सुनेगा तो डर तो जाता ही है और थोड़ा अकेलापन भी महसूस होता है उसे, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड के साथ ही सो जाता है, क्योंकि एक स्वॉर्ड ही थी जिसके साथ उसे कंफर्टेबल फील होता था। इसके बाद हम देखते हैं गट्स को ट्रेन होते हुए, और उसी ट्रेनिंग के बीच में ये बंदा आता है, गट्स को एक मेडिसिन सी दे जाता है उसके बॉन्ड को हील करने के लिए और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें फिर से टाइम स्किप दिखाया जाता है 3 साल का, और अब गट्स 9 साल का हो चुका था और बैटल फील्ड का उसे फुल एक्सपीरियंस हो चुका था। बंदा एक रियल सोल्जर की तरह या फिर बोलूं एक रियल मर्सनरी की तरह बैटल फील्ड में उतरता है और सोल्जर्स से 1-on-1 फाइट में जीतता भी है, जबकि वो सोल्जर्स आर्मर के साथ फाइट कर रहे थे गट्स से। लेकिन क्योंकि ये एक बैटल फील्ड थी तो गट्स एक सोल्जर को तो हरा देता है, लेकिन पीछे से दूसरा सोल्जर उस पर हमला कर देता है और गट्स बहुत बुरी पोजीशन में था, इतनी बुरी कि यहाँ पे वो मर भी सकता था। लेकिन वहां पे गम्बिनो आ जाता है और गट्स को बचा लेता है ये बोलते हुए कि ये एक बैटल फील्ड है, कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है, कि एक बार अपने अपोनेंट को हराने के बाद देखते रहोगे इसे, तुम्हें तुरंत ही एक को मारने के बाद दूसरे पे मूव ऑन करना है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि गट्स ना सिर्फ पैसे कमा रहा था, उसी के साथ साथ गम्बिनो को पे भी कर रहा था उसका ख्याल रखने के लिए, और कुछ इसी तरह गट्स का चाइल्डहुड निकलता है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद जब गट्स के साथ सब कुछ सही चलने लगा था, तो तभी
उसके साथ बड़ी ही घिनौनी चीज होती है। ये नशेड़ी गबीनों को पैसा पे करता है गट्स के साथ जबरदस्ती करने के लिए। अब ऑब्वियसली गट्स अपनी एज के हिसाब से तो काफी स्ट्रांग था, लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर पाता और बंदा कम्प्लीटली टूट जाता है कि जिसे वो फादर फिगर मान रहा था उसी ने ऐसा होने दिया उसके साथ। लेकिन जब सुबह होती है गट्स खुद को संभालता है, गम्बिनो से सवाल भी करने जाता है, लेकिन वो नेचुरली रिएक्ट कर रहा था गम्बिनो, तो उसे लगता है कि शायद वो नशेड़ी झूठ बोल रहा था। तो गट्स इस बात को जाने देता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका गुस्सा शांत हो गया था, कि जब फिर से गट्स बैटल फील्ड पे जाता है और ये नशेड़ी भी बैटल फील्ड पे जाता है क्योंकि इन्हीं के ग्रुप में था ना ये, तो अपोजिशन का तो छोड़ दो, गट्स इसके पीछे लग जाता है और इसको मार गिराता है बो एंड एरो और स्वॉर्ड के थ्रू। इसके बाद जब गट्स वापस बैटलफील्ड में उतरता है तो वो ये नोटिस करता है कि गम्बिनो उसे दिख ही नहीं रहा कहीं पे, और थोड़े टाइम तक इधर उधर भटकने के बाद वो गम्बिनो को जमीन में पड़ा हुआ देखता है, जिसके बाद उसे सेव तो कर लिया जाता है, लेकिन उसका पैर इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था, यूं समझ लो लिटरली एक पैर खत्म हो चुका था, जिस वजह से वो आगे कभी बैटलफील्ड में उतर ही नहीं सकता था। एंड दैट्स द रीजन व्हाई इस पूरे ग्रुप को एक नया लीडर चाहिए था। इसके बाद हम काफी ज्यादा इमोशनल मूवमेंट देखते हैं गम्बिनो और गट्स के बीच, क्योंकि फर्स्ट टाइम गम्बिनो गट्स से बोलता है कि बैटलफील्ड पे जाओ तो मरना मत। इसके बाद हमें वापस बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि गट्स एक फुल ग्रोन सोल्जर की तरह फाइट कर रहा था, और इस बार वो सिर्फ एक सोल्जर को मार नहीं रहा था, जो भी उसके रास्ते में आ रहा था वो सबों को ढेर करे जा रहा था, और ये सब कुछ गट्स 9 या 10 साल की उम्र में कर रहा है। और जहां पहले गम्बिनो ख्याल रखा करता था गट्स का, अब गट्स ख्याल रख रहा है गम्बिनो का पैसा कमा कमा के। और स्टार्टिंग में तो ऐसा ही फील होता है कि गम्बिनो काफी ज्यादा खुश है, गट्स उसको कमा के ला के दे रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा था कुछ भी ना कर पाने के लिए, बैटल फील्ड पे उतर के फाइट ना कर पाने की वजह से। और जैसे कि तुम्हें बताइए, फ्रस्ट्रेटेड इंसान ये नहीं देखता कि वो क्या कर रहा है, गुस्से में कुछ भी कर देता। गम्बिनो को इतनी सारी चीजें ला के दे रहा था, गट्स पैसा कमा के दे रहा था उसके खाने पीने के लिए, मौज मस्ती के लिए औरतों के साथ, लेकिन स्टिल वो खुश नहीं था गट्स से। और इसी बिहेवियर के अगेंस्ट में गट्स शो तो नहीं करता अपना गुस्सा, लेकिन वो रियलिटी में गुस्सा काफी ज्यादा था कि वो इतना सब कुछ कर रहा है गम्बिनो के लिए, लेकिन स्टिल उसे बदले में क्या मिल रहा है, डांट फटकार। इसके बाद जब गट्स अकेले टेंट में पड़े पड़े सोच रहा था कि वो क्या गलत कर रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ ऐसा, तो वो यही चीजें सोचते हुए सो जाता है, लेकिन तभी उसके टेंट में कोई एंटर करता है, और जब वो उठ के देखता है तो वो बंदा और कोई नहीं गम्बिनो था, जो कि अपने हाथ में तलवार लिए हुए था। और भाई साहब जरा इस पैनल को देखो, ये गम्बिनो लिटरली एक डीमन की तरह लग रहा है। इसी के बाद गम्बिनो अटैक करना शुरू कर देता गट्स पे, ये बोलते हुए कि मुझे लगा था तुम मर जाओगे बैटल फील्ड में उतरते ही, लेकिन यहाँ देखो जिस औरत ने तुम्हें पिक किया था वो मर चुकी है, और जो उस औरत का हस्बैंड था जिसने तेरा ख्याल रखा वो लंगड़ा हो चुका है। और इन्हीं रीजनों की वजह से गम्बिनो गट्स को एक ईविल चाइल्ड मानता था, बस उसने आज तक कुछ बोला नहीं, और क्योंकि गम्बिनो अंदर ही अंदर सोचा करता था ये सारी चीजें, बस बोलता नहीं था, तो उसने काफी ज्यादा ट्राई किया गट्स को गुस्सा दिलाने का, सो डेट उन दोनों में फाइट हो जाए और उन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक तो मर जाए। गट्स कभी गुस्सा ही नहीं हुआ करता था, फाइट हुई नहीं उनकी सीरियसली कभी भी। और इसी के बाद गम्बिनो एक ऐसी चीज बोलता है जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि यहाँ पर बोलेगा। वो ये बोलता है गट्स से कि वो जो नशेड़ी था ना जिसने कि गट्स के साथ जबरदस्ती की थी, उसने गट्स को 3 सिल्वर कॉइन्स में खरीदा था गम्बिनो से, जिस पर गट्स कांपने लग जाता है और वो पूछता भी है कि क्यों किया उसने ऐसा। तो गम्बिनो इसकी रिप्लाई बोलता है बिकॉज यू आर डिस्कस्टिंग, क्योंकि उसका मानना था जब उसकी बीवी ने इस बच्चे को बचाया और उसी की वजह से उसकी मौत हो गई तो गट्स उसके लिए लॉयल हो ही नहीं सकता, इससे बढ़िया तो उसका कुत्ता है। और यही चीजें सोचते हुए गट्स कांपता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रो भी देता है, और ये फर्स्ट टाइम था लाइफ में कि गट्स कभी रोया है। अब गम्बिनो को मारने के बाद गट्स दुखी तो था ही, लेकिन तभी उसके टेंट में आग लग जाती है, और उसी आग के चलते जब उसके टेंट के पास लोग आते हैं यानी बाकी के सोल्जर्स, तो उसे गम्बिनो की लाश के साथ देखते हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड सभी को लगता है कि गट्स ने गम्बिनो को मारा है, कोई सुनता ही नहीं उसकी, और वो सब भी उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए गट्स उन पे भी हमला करता है और बचते बचाते वहां से भाग निकलता है। एंड वैसे तो पहले सभी को लगता ही था कि गट्स एक बैड वुमन है, बहुत बड़ा पनौती है, जहां पर भी जाएगा बैड लक ही लाएगा, लेकिन अब सारी चीजें प्रूफ हो चुकी हैं, क्योंकि जिस औरत ने उसे उठाया था वो मर चुकी है, और जो उसका पति था, फादर लाइक फिगर था उसके लिए, वो भी मर चुका है। इसके बाद उन मर्सरीज का ग्रुप गट्स का पीछा करता है और उसे डैमेज ही पहुंचा देता है बो एंड एरो के थ्रू, जिससे इंजर्ड होकर गट्स एक क्लिफ से गिर जाता है। लेकिन अगेन समहाउ गट्स मरा नहीं था, हाँ बहुत बुरी हालत हो चुकी थी उसकी, लेकिन अभी भी अपने दोनों पैरों पर वो खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। लेकिन फिर से ये प्रूफ हो जाता है कि गट्स की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसका सामना होता है वुल्फ के पूरे ग्रुप से। अब वैसे तो गट्स पूरी तरह हार मान चुका था कि छोड़ो
अब यहाँ पे सब कुछ एंड होता है और मैं इससे आगे नहीं जा पाऊंगा, यही चीजें सोच रहा होता है। लेकिन उसकी बॉडी अपने आप मूव करने लगती है, उसे प्रोटेक्ट करने लगती है उन भेड़ियों को मारकर। अब स्टार्टिंग में तो उसकी बॉडी खुद ऐसा करती है, लेकिन इसके बाद फिर गट्स को पता नहीं हिम्मत आने लग जाती है, तो वो अपने आप उन सारे भेड़ियों को मारने लग जाता है और पूरे के पूरे झुंड को खत्म कर देता है। और थोड़े बहुत भेड़िए जो बचे हुए थे वो डर के वहां से भाग जाते हैं और गट्स वहीं पर गिर जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद वहां से कुछ लोग गुजरते हैं और गट्स को वहां से उठा लिया जाता है, रेस्क्यू कर लेते हैं एक तरीके से। इसके बाद हमें 4 years लेटर का सीन दिखाया जाता है, यानी गट्स अब हो चुका था 14 साल का, या फिर टू बी एग्जैक्ट 13 साल का, 13 और 14 के बीच में था। एंड अगेन हमें एक बैटल फील्ड दिखाया जाता है जहां पर कि गट्स एज अ मर्सनरी ही आया था और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर से वहां पे फाइट करता है गट्स, जिसको कि कोई भी नहीं हरा पा रहा था। हराना तो छोड़ो, डैमेज भी नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन गट्स सिर्फ 13 साल की उम्र में उससे फाइट करने को तैयार हो जाता है। यहाँ पे कुछ और ही कारनामा होने वाला है। अब एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो तुम्हें अगली वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगेन इस वीडियो का टारगेट रखते 7K लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।